हेलो गाइस, मेंटोर सुनील। और अगर आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक या एडीएचडी तो ये चैनल और ये वीडियो आपके लिए है। ब्राह्मण एम्पायर के कमेंट पर आज बात करेंगे। सर, एडीएचडी ऑटिज्म एस्पर्जर सिंड्रोम क्या होता है, कैसे इनको डिफरेंशिएट करें और क्या ये ठीक हो जाते हैं, प्लीज टेल, इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168709099 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का आईएसडी कोड लगाना ना भूले। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं एडीएचडी। एडीएचडी जैसा कि नाम से बिल्कुल क्लियर है, इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जहां अटेंशन की कमी होगी, हाइपर एक्टिविटी होगी, एडीएचडी उसको ज्यादातर बोलते हैं। यानी उनमें अंडरस्टैंडिंग नॉर्मली होती है, आई कॉन्टैक्ट अच्छा होता है, लेकिन वो अपनी मस्ती और मर्जी में रहते हैं। इस तरह के बच्चे मर्जी से आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, मर्जी से आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते, इस चीज़ को छेड़ेंगे, उस चीज़ को छेड़ेंगे, आराम से बिल्कुल नहीं बैठेंगे। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एडीएचडी में होते हैं। उसके बाद आता है एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम एक न्यूरोफिजिस्ट थे, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट थे, जिनका नाम था हेंस एस्पर्जर। उन्होंने इस डिसऑर्डर की शुरुआत की थी। वो ये देखते थे कि कुछ ऐसे बच्चे उनके आसपास थे जो अपनी स्टडीज में दूसरों को फ्रेंड्स नहीं बना पाते थे, यानी सोशलाइज नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने जो बच्चे सोशलाइज नहीं कर पाते थे, उनमें इमोशनल डेवलपमेंट की कमी होती थी, उनमें एक्सप्रेशन की कमी होती थी, तो वो क्लब बना करके कि कम्युनिकेशन, इमोशनल और सोशलाइजेशन की अगर कमी होगी तो इसको एस्पर्जर, उन्होंने अपने नाम पे इसको रखा कि ये एस्पर्जर सिंड्रोम। सिंड्रोम होते हैं जब काफी सारे सिम्टम्स इकट्ठे आते हैं, तो उसे सिंड्रोम आप बोल देते हैं। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को एस्पर्जर सिंड्रोम कहा। 1996 में जो डायग्नोस्टिक और स्टैटिस्टिकल मैनुअल होता है मेंटल डिसऑर्डर का, DSM-4 आया, जिसमें उन्होंने इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में डाल दिया कि एस्पर्जर सिंड्रोम जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आएगा। और 2013 में इस वर्ड को और इस डेफिनेशन को और इस डायग्नोसिस को बिल्कुल हटा दिया गया कि एस्पर्जर सिंड्रोम नहीं, ये ऑटिज्म ही है। सो ऑटिज्म में क्या होता है कि अटेंशन यूजुअली बिल्कुल नहीं होता है, उसके साथ साथ वो बच्चे बिल्कुल अपना एक वर्ल्ड फॉर्म कर लेते हैं, एक शेल में चले जाते हैं जिस शेल में से वो बाहर नहीं आना चाहते, और अपनी ही चीज़ें बस वो करते रहते हैं। उन्हें रोटी सब्जी खाना पीना, किसी चीज़ का भूख प्यास किसी भी बात का पता नहीं होता। आपको उन्हें फीड करना पड़ता है, आपको उनको उनके टाइम याद दिलाने पड़ते हैं, सब चीज़ें उनके हिसाब से आपको चलानी पड़ती हैं, उनका एक डिसिप्लिन स्केड्यूल आपको बनाना पड़ता है। उन्हें कुछ नहीं पता होता इसके बारे में, आपने खाना दे दिया तो वो खा लेंगे, नहीं दिया तो वो नहीं खाएंगे। जो बच्चे नीड बेस्ड कम्युनिकेशन यूजली करते हैं वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आते जरूर है, लेकिन एडीएचडी वाली साइड पे आते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्योंकि इन्होंने क्या किया, 16 डिसऑर्डर्स को मिला करके एक एएसडी बना दिया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो उन्होंने एडीएचडी को भी इसमें डाला। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं भी एक फिलोसोफर हूं, मेरी अपनी फिलोसफीज है। तो एडीएचडी डिफरेंट, एस्पर्जर मैंने आपको बता दिया वो खत्म हो गया, ऑटिज्म के बारे में मैंने आपको बताया टोटल लॉस ऑफ अटेंशन रहता है उसमें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।